ये क्या करने आए हो? तुम्हें मेरे भाई के बारे में नहीं मालूम, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे भाई को नहीं जानता, मगर तुम तो मेरे बारे में जानती हो। जी करता तुम्हें जान से मार दूं, पर जाओ। भैया मार डालो इसे, मार डालो। नहीं बहन। नहीं भैया, ये गलत नहीं होगा। तू मेरे भैया को मारेगा? मेरे भैया को मारेगा? नहीं बहन, ये गलत होगा। नहीं, गलत है, गलत है। जब एक लड़की को मायके से ससुराल भेजा जाता है, उसे 16 श्रृंगार करके और मर्यादा के साथ विदा किया जाता है, ताकि वो लड़की ससुराल में अपनी मर्यादा बनाए रखेगी। और इसी मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए मैंने इतने सालों तक इस जानवर के साथ बिताए। कहाँ है चंद्रा केशव रेड्डी? तुम्हें मेरा भाई चाहिए तो जरूर मिलेगा, मगर तुम उसे पकड़ना चाहोगे तो भी उसे पकड़ नहीं पाओगे। वैसे भी मेरे भैया ने किया क्या है? धरती का बोझ तो ये लोग हैं। इस धरती पर लोग सिर्फ दो ही महापुरुष की पूजा करते हैं, एक भगवान की और दूसरे मेरे भैया की। मैं बताती हूँ कि मेरे भैया क्या है। नमस्कार बाबू, आप हमेशा गरीबों की मदद करते, भगवान आपका भला करे। पहले छोटे भाई के पैर छुओ। जीती रहो मेरी बहन। भाई आप ये खेत खरीद लो, जब भी हमें अपने खेत में जाना होता तो वेंकट रेड्डी के खेत से जाना पड़ता है।
उसमें और हमें जनता नहीं है, वो हमें अपना खेत क्यों बेचेगा? अब मैं क्या करता भैया, मैंने कोई जबरदस्ती तो की नहीं, अब ये मेरे पीछे पड़ गई थी। भैया देखो मेरी कोई गलती नहीं है, हम दोनों का कास्ट एक है, आप भी रेड्डी मैं भी रेड्डी, और ये ठहरी छोटी जात वाली। एक तो लड़की पर अत्याचार कर रहे हो और उस पर कास्ट की दुहाई दे रहे हो। क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को? क्या किया? एक लड़की की जान ली इसने, बगैर शादी की उस लड़की को पेट से कर दिया, और जब इराज खुला तो उस लड़की को सैप लाकर मार डाला। जो उस लड़की को तकलीफ हुई है वो इसे भी होनी चाहिए। बेटी के मरने पर उसके बाप पर क्या बीती होगी इसका एहसास तुम्हें होना चाहिए, इसलिए तुम्हारे बेटे को तुम्हारे सामने मार रहा हूँ। डाल दो इसके मुंह में जहर। पिताजी पिताजी मुझे बचा। अगर तुमने मेरे बेटे को जहर पिलाया तो मैं भी तुम्हें। लाओ जल्दी पिताजी। फिर कभी तुमने या तुम्हारे बेटों ने कोई गलती की तो जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा, मार दूंगा। काशी रेड्डी। जी पिताजी। बड़े रेड्डी के घर जाना है, तैयारी करो। ऐसे क्या देख रही हो तुम? आपकी जैसी तो लड़कियां भी अपने आप को इतना नहीं सजाती होगी। ए, खूबसूरत सिर्फ लड़कियां नहीं होती, लड़के भी खूबसूरत होते हैं, और भगवान ने जो दिया उसे संभाल कर रखना चाहिए। वैसे भगवान ने मुझे ज्यादा खूबसूरत नहीं बनाया, इसलिए तो भगवान ने मुझे तुमको दिया है। लोगों को तो तुम अपने हाथों से मारते हो और मुझे अपनी प्यार भरी बातें सुनाते। बातों में तो मैं तुमसे कभी नहीं जीत पाऊंगा।